सत श्रीकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो पंजाब टुडे चैनल। आओ देखते हैं अज्ज दियां कुछ खास खास खबरां। सुप्रीम कोर्ट वालों 31 मार्च तो राष्ट्रीय मार्गों ते शहर च बने होटलों के बार बंद करन दे हुक्मां तो बाद होटल इंडस्ट्री च निराशा छा गई है, पर आम लोगों वालों इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इस फैसले के लागू होने नाल इकल्ले पंजाब दे ही तकरीबन 3500 तो वध बार प्रभावित होए हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों 31 मार्च तो राष्ट्रीय मार्गों ते शहर च बने होटलों के बार बंद करने के हुक्म तो बाद वड्डा असर वेखन नूं मिल रहा है। अमृतसर दिल्ली ते अमृतसर पठानकोट के मुख मार्ग से 500 मीटर के घेरे अंदर कई ठेके बंद विखाई दिते हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों सुनाए गए इस हुक्म का लोगों वालों स्वागत भी किया जा रहा है, पर इस दे नाल ही होटल इंडस्ट्री च निराशा का माहौल है। भावें कि हाईवे उत्ते ठेकियां नूं बंद करन दे हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं, पर इस दे बावजूद लोगों वालों पंजाब च बनी नवी कैप्टन सरकार का भी धन्यवाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नूं पंजाब सरकार अते कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों 4 हफ्तों च नशियां नूं खत्म करन दे फैसले दे नाल जोड़ के ही वेख्या जा रहा है। नॉलेज में ही है कि जो 500 मीटर स्टेट हाईवे ज नैशनल हाईवे जिमें सुप्रीम कोर्ट की जी हुक्म आए है वो अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। कोई भी जो हाईवे तो स्टेट हाईवे हो चाहे वह नैशनल हाईवे हो कोई ठेका विद इन 500 मीटर नहीं होगा, और इस संबंधी इन्होंने जोड़े जोन बना दिए गए फिर इस जोन के कोई ठेका नहीं खुल सकते। कुछ फीम दे मगर फड़े गए जदों के कांग्रेस सरकार बैठी है उदों का किन्ना फर्क पै चुका, तकरीबन 30% का फर्क मैं कह सकता अंदाजे दे नाल वो फर्क पै गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लखबीर सिंह है। बलबीर सिंह जी, जो हाईवे पे ठेके बंद किए गए, कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है वो? बहुत एक श्लाघा जो कदम था कैप्टन सरकार का, क्योंकि उससे एक तो एक्सीडेंट कम होंगे, दूसरा है घर में सुख शांति रहे, क्योंकि दूर होगा, अगर ठेके दूर होगा तो जाने में भी प्रॉब्लम होगी, और पास होगा तो बंदा जाएगा और कमाई अपनी सारी दे के तो आ जाएगा। क्या आप समझते कि बंद हुए हैं कुछ ठेके वगैरह? बहुत 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 बंद हुए हैं, आज न्यूज़पेपर पे आया काफ़ी ठेके बंद हुए हैं। वो बहुत वधिया किया कि जदों आपां कोई भी नशा पी के दारू पी के GT रोड के उत्ते चल रहा, कोई बच्चा आ रहा उन्हें देखना नहीं था, दारू के धुंध हो जाता बच्चे के उत्ते चढ़ा देगा, बच्चे डेथ हो जूगी, वो जा आप दे आप कहते गड्डी मारेगा कहे आप दे आप मौत करेगा, वो भी बर्बाद हो गया ते घर भी उसका बर्बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। अमृतसर के थाना कथूनंगल के अधीन आते पिंड मंगा सराय के किसान बलविंदर सिंह ने अपनी पत्नी और धी के कपड़े धोने तो वाली थापी ना कुट कुट के कतल कर दिता है। कतल करने की वजह यह सी कि जिस लड़के ने उसने अपनी धी का रिश्ता तय किया सी वह उसकी पत्नी के धी नूं मंजूर नहीं सी, जिस करके उसने एक कदम पुटिया है। अमृतसर के पिंड मंगा सराय के एक किसान वालों अपनी पत्नी के धी की हत्या करने का मामला सामने आया है। किसान बलविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के धी का कपड़े धोने वाली थापी नाल कुट कुट के कतल किया है। कतल करने की वजह यह सी कि जिस लड़के ने उसने अपनी धी का रिश्ता तय किया सी ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। उस को यह गल सहारी नहीं गई। रात वेले बलविंदर सिंह ने दोवां नूं थापी नाल कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता। परसां दे पहलां वेखे रिश्ते ते हुण कीता सगन लग गया सी ते सगन तों बाद फिर कहिंदे वी जवाब दो, मैं दो दिन समझाउंदा रहा नहीं आखे लगी, हाँ जी इस करके कर दिता, मैं दुखी होया, पहलां मैं मरना चाहुंदा फिर मैं पिछे फिर उह पवाड़ा रह जाणा मेरे। ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮਾਗਾ ਸਰਾਏ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਘਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ,
वाकया करके फिर अपने भरा नूं दस्सिया। भरा दा नाम है अपना कश्मीर अपना जी कश्मीर सिंह, तो जिहड़े रिटायर्ड एस आई रहे ने इत्थे अपने, उन्होंने दस्से। एस आई साहब ने फिर सानूं आके इतलाह दित्ती थाने च, असीं तुरंत मौके ते गए, मौके की सारी कार्रवाई की, तो आके फिर उहदे फिर कुड़ी दे पेके परिवार भी आ गए। उन्होंने उहदे कुड़ी जिहड़े लेडी है जिहड़ी वाइफ आ अपने दोषी की वाइफ दे भरा दे बयान ते असीं परचा दर्ज करता। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। जलंधर पुलिस ने नाभा जेल कांड के एक होर मुलजम गैंगस्टर अमनदीप ढेसिया को गिरफ्तार किया है। इस कोलो 32 बोर का रिवॉल्वर, 7 कारतूस, 4 सिम बरामद किए गए हैं। ढोटिया खिलाफ़ हुण तक 26 मामले दर्ज हैं। जलंधर पुलिस ने बीते दिनी नाभा जेल कांड का एक होर मुलजम अमनदीप सिंह ढेसिया गिरफ्तार किया है। इसनों बीती रात जलंधर के PAP चौंक तो गिरफ्तार किया गया। इस कोलो 32 बोर का रिवॉल्वर, 7 कारतूस, 4 सिम बरामद किए गए हैं। ढोटिया खिलाफ़ हुण तक 26 मामले दर्ज हैं। जलंधर पुलिस के कमिश्नर अर्पित शुक्ला मुताबक जदों इसनों गिरफ़्तार किया गया तो उदो ये किसी को किडनैप करने की योजना बना रहा है। उन्होंने दसिया कि इसते कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। जल्द ही अदालतों इसका रिमांड लैके अगली पूछगिछ की जाएगी। तहानू दस दिए कि 27 नवंबर 2016 को पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल नाभा तो हथियारबंद व्यक्तियों ने सवेरे करीब 9 बजे पुलिस वर्दी में आके एक कैदी जेल में दाखिल कराने के बहाने जेल स्टाफ को बंदी बना के फायरिंग की। इस दरमियान ही गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह सेखों, हरजिंदर सिंह विक्की गॉर्डर, अमनदीप सिंह टोटिया, कुलप्रीत सिंह नीटा देओल, सबका खालिस्तानी हरमिंदर सिंह मिंटू, कश्मीर सिंह गलवट्टी छुड़वा के नाल लै गए सन। कल रात जलंधर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली जब इनमें से एक भगोड़ा गैंगस्टर अमनदीप डोटिया को जलंधर पुलिस ने अरेस्ट किया। कल रात को 10:30 बजे PAP चौक के पास एक नाके पे इसको अरेस्ट किया। इसके पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर, 7 लाइव कार्ट्रिजेस, 4 सिम कार्ड्स, एक मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया गया। ये इस फिराक में था कि किसी व्यक्ति को किडनैप करे और उसे रैंसम ले ताकि इनके जो फाइनेंसेस हैं वो ठीक हो सकें। अमनदीप ढोटिया के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में 26 संगीन अपराध के जुर्म के केसेस रजिस्टर्ड हैं और इट्स अ बिग कैच एंड इसके सिर पे 5 लाख का रिवॉर्ड भी रखा हुआ था और ये तो जलंधर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। श्री कीरतपुर साहब के नेड़े पेंदे पिंड बुंगा साहब विखे भाखड़ा नहर च एक ट्रक डिग गया। गोताखोरों की मदद के नाल पुलिस ने ट्रक का बरामद कर लिया है पर ड्राइवर का अजे तक कुछ भी पता नहीं लगा है। रोपड़ के श्री कीरतपुर साहब के नेड़े पेंदे पिंड बुंगा साहब विखे भाखड़ा नहर में एक ट्रक डिग गया। गोताखोरों की मदद न पुलिस ने ट्रक तो बरामद कर लिया है पर ड्राइवर की फिलहाल भाल जारी है जिसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ट्रक को लैके चंडीगढ़ तो ऊना जा रहा है कि बुंगा साहब को जिमें ही चढ़ाई चढ़न लगा तो ट्रक कंट्रोल तो बाहर हो गया और यह नहर से जा डिगा। ट्रक ड्राइवर की पछाण हरमेश सिंह वजों हुई है और उसकी उम्र 40 साल के करीब सी। पुलिस वालों ड्राइवर की भाल की जा रही है। साढ़े 9 बजे किसी राहगीर ने सूचना दिती सी कि एक बुंगा साहब को एक ट्रक नहर में गिरदा उसने देखा है। वो गोताखोरों की मदद नाल हाइड्रे क्रेना की मदद नाल गड्डी नू नहर विचों कढ़िया गया। ड्राइवर की भाल की जा रही। रोपड़ तो बिमल कुमार की रिपोर्ट पंजाब टुडे। तमिलनाडु के प्रसिद्ध सैर सपाटा वाले स्थान महाबलीपुरम एक जर्मन नागरिक ने बलात्कार से मारकुट करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने 2 शक्कियों हिरासत में भी लिया है। मामले की जांच लई स्पैशल टीम गठित कर दी गई है। महिला नूं हस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने इसके अलावा कुछ भी दसन तो फिलहाल इनकार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चेन्नई तो करीब 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम एक जर्मन महिला उत्ते कुछ लोगों ने हमला कर दिया। महिला मुताबिक उसका रेप किया गया, उसका समान भी लुटन की कोशिश की गई। वह किसी तरह ना भज के पुलिस तक पहुंची है।
तमिलनाडु पुलिस ने मामला दर्ज करके दो शक्किया नूं हिरासत विच भी ले लिया है। Two Indian guys, okay, ma'am. Baby 33 years old, came and raped her. And she got very hurt here, on his leg. That's it. Which people? Two Indian people. Name. We don't know the name and we're not going to give our name. It's okay. Okay. So, what is your first name? The man have around 30. Ma'am, you have to complain in Mamallapuram Beach? Patipudam. We complained to the police. The police people was very professional. They was very nice. They came until the beach. They watch up what's going on the beach. Okay, they did all the investigation. Now they come with us to the hospital. They were very kind. Indian police people were very kind. Bureau Report, Punjab Today. बटाला दे पिंड रगड़ नगर नेड़े सोमवार को तार कोल बजरी नाल भरिया ट्रक पलट गया है, जिस दौरान 10 लोग जख्मी हुए हैं। जानकारी मुताबिक ओवरलोड होने करके ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया, जिस कारण ट्रक च सवार 10 लोग जख्मी हो गए, जिन्होंने तुरंत हस्पताल च पहुँचाया गया। फिलहाल डॉक्टर वालों 3 गंभीर जख्मी हुए लोगों अमृतसर च रैफर कर दिया गया है। ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਬੈਮ ਸਜਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 1500 ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਿਓ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਅ ਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡੇ ਜੀ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ, 1500-1600 ਜਣੇ ਮਹਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ। ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਗਣ ਡੰਗਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 10 ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਕ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪਛੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ, 2 ਟੈਬ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 7-8 ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ, 2 ਟੈਬ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 7-8 ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ DSP ਸਿਟੀ ਔਰ SHO ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1,60,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ
उन्हें भी काफ़ी चोरियां की थी, उन्हें कोलो भी जी है वो गैंग जोड़ा है उन्हें नाल एक जनानी है तो एक आप है ये भी असी जो है उन्होंने पकड़ लेने उन्होंने को रिकवरी करा ली है। फिलहाल क्या क्या समान रिकवर किया? इन्हों को एक लैपटॉप आ, दो टैब आ, पांच मुंदरिया ने, तो होर काफ़ी जोड़े मोबाइल भी है, बैल्टा भी है जिड़िया गड्डिया दराबत कर। मोगा तो बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।